चाहिए। नमस्ते। कब तक समझूं मैं, कब तक? थैंक यू। अभी ये वेलकम बैक टू दी बिजनेस ब्लॉक अगेन। सो गाइस, आज मैंने फाइनली जो है अपना इंट्रो वो स्लो करके बोला, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे एंड एक मीम भी बना है। बाकी आज मैं सजेस्ट के जा रहा हूँ एक इंटरव्यू देने के लिए। आपको थंबनेल टाइटल देख के पता चल गया होगा, आज मैं जा रहा हूँ सिलचर, वहाँ पर जाके इंटरव्यू दूंगा। कृष्णकांत सर ने मुझे बुलाया है उसके चैनल पे काम करने के लिए, चैनल पे तो नहीं, उसके जो टीम है गरम मसाला वहाँ पर मतलब काम करने के लिए, मतलब लोग चाहिए, इसके कारण मुझे बोला गया है। इसके कारण मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू तो मैं तो मतलब इजीली पास हो जाऊँगा, बिकॉज एक्टिंग तो हमको आती है, घुट घुट के आती है। सो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग, मैं अकेले जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके इंटरव्यू दूंगा। कि आप लोगों को, उन लोगों से भी मिलाऊंगा, सारे टीम मेंबर से मिलाऊंगा। एंड पहले भी मैं गया था, आप लोगों ने देखा था, तब मैं मिल नहीं पाया था, अभी हमको बुलाया है, सो हम मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पूरा इंटरव्यू देने पूरा ब्लेजर वेजर लगा के एकदम पूरा वो हो बन के जा रहा हूँ, क्या बन के जा रहा हूँ पता नहीं, क्या बन के जा रहा हूँ वो पता नहीं, बट आप लोग सोच रहे हो कि वाह इम्प्रेस करने के लिए जा रहा, बट ऐसा ऐसी कुछ बात नहीं है। बिकॉज अभी चल रहा है ठंड का सीज़न, तो सुबह सुबह ठंड भी पड़ता है एंड शाम के टाइम पे भी ठंड पड़ता है, इसके कारण मैं जा रहा हूँ। सुबह सुबह भी थोड़ा थोड़ा ठंड है एंड आते टाइम तो ठंड लगेगा, और मैं भी जैकेट भी लेके नहीं जा सकता, बिकॉज वो गाय चिल्लाती है जब भी मैं वीडियो ना, एंड नहीं लेके जा सकता, बिकॉज उसको लेके जाऊँगा तो एक बैग लगेगा एंड मुझे बैग कैरी करना पसंद नहीं है, इसके कारण अभी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। बिकॉज इसको लगाऊंगा तो थोड़ा सा ठंड से बचूंगा एंड इजीली मैं आ सकता हूँ, इसके कारण मैंने ये लगाया है। कैसा देख रहा हूँ आप कमेंट करना, आज मैं देख रहा हूँ ना पूरा बिजनेसमैन। चलो एंड यहाँ पर हमारे प्यारे से भगवान का ट्री, सो चलो लेट्स गो। मैं जाने वाला था सुबह सुबह आज, लेकिन वो कैंसिल कर दिया बिकॉज मैं उठ नहीं पाया, एंड अभी मैं जाऊँगा 8 बजे जाऊँगा बोला था, एंड अभी देखो 8:18 हो रहा है एंड अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरा बस भी जा चुका हूँ। क्या करूँ यार, उठना बहुत मुश्किल है ठंड के टाइम पे। अभी मैं जा रहा था और मेरी किस्मत, आज की किस्मत अच्छी है, हमारे गौरव दा, प्यारे गौरव दा मिले, वो हमको लेके जा रहा है बीकेडी में, वहाँ से देखते हैं यदि आऊँगा बोल रहा है, देखते ये नहीं आएगा मुझे पता है। चुका हूँ अपने टाउन पे, अच्छा हुआ कि गौरव दा मिले एंड 8:30 बजे से पहले हमको टाउन पे पहुँचा दिया, एंड 8:30 बजे अभी एक बस आने वाला है, सो उस पे चढ़ूँगा एंड जाऊँगा। सो अभी बस का वेट करते हैं एंड चलते हैं। अजी वाह, मैं क्या बोलूँ अपने आप को, क्या 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 बोलूँ। उधर देखो बस जा रहा है और मैं पीछे खड़ा होके देख रहा हूँ, देखो उधर जा रहा है बस, मैं पीछे खड़ा होके इंतज़ार कर रहा हूँ। अब क्या बोलूँ मैं अपने आप को, क्या बोलूँ मैं, बस चला गया, अब भी दौड़ भी नहीं सकता भाई। यहाँ पर देखो बस जा रहा है, गया भाई गया, वाह अभी दौड़ के भी को नहीं मिलेगा, बस रुक गया मेरा गाइस। आज मुझे अभी सिन्हा पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, क्या बताऊँ अभी सिन्हा, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, बस छोड़ दिया ना मेरा, बस छूट गया मेरा, बस छूट गया गाइस मेरा, और अभी आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। एंड गाइस और एक बस आ चुका है, अभी बज रहा है देखो 8:41 बज रहा है एंड आज एक बस जल्दी आ गया, बस ये शायद हो सकता है बट हमको नहीं पता। बाकी अभी सीट ढूंढते हैं, बहुत साउंड हो रहा है ना इधर, वो तो नहीं लगता सीट मिलेगा, सीट है, वाह मिला, अच्छा मैं जल्दी जाता तो ही अच्छा होता, बिकॉज अभी जब ही अच्छा होता, बिकॉज अभी जल्दी जाता तो मतलब जल्दी आता ना, और बाकी वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जा रहा था मेरा पैर का हालत ये हो गया, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, ये काटा भी लग रहा है मुझे, मुझे तो पता ही नहीं चला, अभी देख रहा हूँ खून निकल रहा है, क्या मतलब क्या है भाई, ये कहाँ कब कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं, बस अभी कहाँ से ब्लड आ रहा है बोल के देख रहा हूँ तो पता चल रहा है, पता नहीं ये कहाँ से हुआ, दर्द भी नहीं हो रहा था, अभी इधर कट लगा है शायद, क्या भाई। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ बदरपुर पे एंड यहाँ से मैं जाऊँगा सिलचर तक, बाकी डायरेक्ट बस भी हम लोगों के उधर से मिलता था, बट ये मैं डायरेक्ट बोल के उठा, लेकिन यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि डायरेक्ट उधर नहीं जाएगा, अभी मुझे और एक बस का वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरे एल लगने वाले हैं, बिकॉज आज मैं सुबह से कुछ नहीं खा के आया था, उनके मतलब खाना रखा था रेडी करके बट भूल गया,
आप लोग बताना कि आप लोग खाना खाना भूलते हैं या फिर नहीं, अभी से ना भूलता है। लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन खाना खाना कभी नहीं भूलते, आप लोग भी नहीं भूलते होंगे लेकिन अभी से ना भूलता है। पहुंच चुका हूँ सिलचर ISPT पे एंड अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, पूरा 11:30 बज चुके हैं एंड अभी मैं जाऊँगा उधर जाके इंटरव्यू दूंगा या फिर आप बोल सकते हो ऑडिशन जाके दूंगा एंड उसके बाद जाके देखूंगा बात करके। मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरी एक छोटी सी फैमिली है, इस फैमिली को भरा करना है, इसके कारण मुझे भी टाइम देना पड़ेगा। सो वो पूछ के देखेंगे क्या क्या बात करेंगे, सब कुछ करने के बाद ही डिसाइड करेंगे। बाकी चलो अभी चलते हैं उधर जल्दी जल्दी, काफ़ी लेट हो। गली के अंदर बाकी चलो चलते हैं एंड उधर काफ़ी लोग भी आए होंगे, मुझे नहीं पता लेकिन देखते क्या होता है। इसमें पहुंच तो चुका हूँ लेकिन उधर से मैं फिर से घूम के आ गया बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स बोला था उन लोगों ने, वो मतलब मैं लाना भूल गया। तो अभी मैं वो कंप्यूटर के दुकान पे जा रहा हूँ, एक फोटोकॉपी भी बोला था वो मैं भूल चुका हूँ एंड अभी मैं वही लेने जा रहा हूँ। चल चुका हूँ, इधर तो काफ़ी लोग हैं भाई, इतने सारे, वाह। नमस्ते, एक तो दर्जन आईफोन ब्लॉगिंग कर रहे हो? My name is Abhi Sinha. I am from Pakhatandi, Karimganj, Assam. मैं ब्लॉगिंग करता हूँ एंड मेरे चैनल पे 6300 प्लस सब्सक्राइबर है। हाँ, तो मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, ऑडिशन देने आया। तो चलो क्या ऑडिशन दे दोगे, दिखा दो एक बार हिंदी में। हिंदी में अच्छा सा एक्ट करके दिखा दो। हिंदी में गर्लफ्रेंड चाहिए? गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मतलब मैं इतना कभी मतलब किसी के लिए इंतजार नहीं किया, आज मतलब उसके लिए इंतजार किया और इतने दूर से भी आया। कुरकुर को मैं यहाँ पर मारना चाहता था जोक, लेकिन नर्वस के कारण मैं अपना जोक ही भूल गया, एक मुंह से क्या से क्या निकल गया। वाओ, चलो शुरू करो। थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। हिंदी में शुरू करो। हिंदी में हिंदी में एक मतलब बाप बेटे का एक्टिंग कर, नो सॉरी मैं एक एक्टिंग करके दिखाता हूँ। अभी अभी सोचा है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, अभी अभी सोच के मतलब ये एक कर रहा हूँ। एक मतलब अचानक भी आता है, ठीक है, थोड़ा मेरा मतलब स्लैंग यू वर्ड यू सकता हो सकता है, ठीक है, मतलब गाली नहीं। सो मतलब आता है, सो दरवाजे को मतलब टिंग टोंग बजाता है, बेल बजाता है। अच्छा, आता है तो मैं दरवाजा खोलता हूँ। अच्छा, पूछता है कि आपके फादर घर पे हैं? अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे फादर तो घर पे नहीं। ठीक है, क्या चाहिए आपको? मतलब कहाँ गए? वो बाहर गए हुए, तो कब तक आएंगे? ना मैं बोलता हूँ कि वो आधा घंटे में आ जाएंगे। समझ गया। तो मैं बोलता हूँ और वो ये
गजब बेइज्जती है। कौन है, कोई यहाँ से कोई है क्या जाके एक्टिंग कर लेगा तुम्हारे साथ जो वो अजनबी है? ठीक है, तुम अपने जगह पे रहो, वो आगे कर लेगी तुम्हारे जाना है घूमने, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास टाइम नहीं है, वो किसी और के साथ जाना चाहती है। चलो आप जाओगे आज मेरे साथ घूमने? नहीं यार, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे किसी और के साथ जाना है। मेरे साथ होता है तो टाइम नहीं होता, किसी और के साथ तो मेरे साथ हो क्यों तुम आप? अरे मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, मैं उनको मना थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे जाना होगा। सॉरी, हम कल चलेंगे। तुम्हारा फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें एक बार सिचुएशन को समझना चाहिए ना, मैं कल चली जाऊंगी। कब तक समझूं मैं, कब तक? देखो अगर ऐसा है तो तुम उनसे देखा पड़ो, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मतलब ऐसा, मतलब आपके आपके लिए तो बोलना इजी हो जाता है, लेकिन हमको पता है ना कि हम कैसे रहेंगे आपके बगैर। वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुमको समझा रहा, मैं कल चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, मुझे आज अपने कल मेरा टाइम नहीं हुआ ना, कल हर दिन तो मेरा छुट्टी नहीं रहता ना। तो वो सब मैं नहीं जानती, कल जाना तो जाओ, मैं नहीं रहती, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग ही बताना कि मेरा एक्टिंग आप लोगों को कैसा लगा। मैं नर्वस था इसके कारण, मतलब थोड़ा अच्छे से एक्टिंग कर नहीं पाया। बाकी आप लोग बताना कि मेरा एक्टिंग कैसा था। अगर नर्वस नहीं होता ना, पूरा मतलब फ्लोर ही डालता, मैं पूरा मतलब हंसा हंसा के पागल कर देता उन लोगों को। बाकी नर्वस था इसके कारण, पहली बार था ना इसके कारण नर्वस था। वैसे मैं इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं रखता, देखा ना आप लोगों ने, बॉयफ्रेंड के होते हुए भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, बुरा मत मानना। बस ये मैंने मजाक के लिए बोला। एंड सुहानी, आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानना, जस्ट फॉर फन। थैंक यू अभी ये आई ले हम पर कितना रोल लगे बाबा से चलो लोग पापा चला चलो लोग हैं पिलो एक चीज दे दो। फाइनली अभी मेरा ऑडिशन खत्म हो चुका है। बाकी इतना नर्वस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ, आज नर्वस हो गया। मतलब वो लोग मुझे जानते हैं यार, फिर भी मैं नर्वस हूँ, पता नहीं। मतलब पहला टाइम है ना, पहली बार नर्वस होऊंगा। वो लोग जानते हैं मुझे, एंड उसके लिए मतलब जल्दी भी हुआ, इतने ज़्यादा लोग थे क्या बताओ, फिर भी मुझे वो लोग जानते थे। तो मेरा पहले की अभी कुछ मैं बहुत दूर से आया था इसके कारण। बाकी अभी देख सकते हो टाइम 1:37 हो रहा है, एंड देख सकते हो मेरा जल्दी हो गया। बाकी उधर बहुत सारे लोग हैं, इसके कारण जल्दी बुलाया एंड जल्दी ऑडिशन दिया। बट इतना नर्वस हुआ, अभी देखो अभी मैं पूरा कॉन्फिडेंस में, शायद खाना नहीं खाया इसके कारण। मैं जमा किया था मेरा लेट होगा बोल के, मैंने मेरी ये बुआ को फ़ोन किया था, उसके घर पर रहूँगा बोल के। बाकी अभी तो मेरा जल्दी हो गया, अभी घर भी जा सकता हूँ, तो अभी उसको ना कैसे बोलूँ मैं, यही सोच रहा हूँ। मैंने कपड़े भी नहीं लाए, मुझे बहुत शर्म आ रही है ना बोलने में, और सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, वही सोच रहा हूँ, देखता हूँ। उन लोगों ने खाने के लिए भी दिया, बिस्किट भी दिया, ये भी दिया। बाकी मुझे मतलब खाने का मन नहीं है, बिकॉज मैं इतना नर्वस क्यों हुआ, इतना गुस्सा आ रहा है अभी से, यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा है, इसके कारण खाने का भी मन नहीं है, फिर भी खा रहा हूँ। चलो अभी चलते हैं, मुझे दुकान पर जाना है, वहाँ से सामान लेना है, उसके बाद घर जाएंगे हम लोग। हमारे बुआ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, देखो बुआ ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तुमने वापस कर देना खाने घर पर, मुझे काम पता नहीं। गाइस मैं लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस रहता हूँ, आज के दिन इतना मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया मेरा, ये मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मेरे पे, मेरे अंदर, मतलब उसके लिए ऑडिशन के लिए नहीं, मतलब मैं नर्वस क्यों हुआ इसके लिए, मुझे मतलब वो हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। नर्वस क्यों हुआ भाई मैं, वो लोग मुझे क्या मारेंगे क्या, नर्वस क्यों हुआ मैं, ये सोच रहा हूँ मैं। अभी आ चुका हूँ मैं बस स्टैंड पे, एंड यहाँ से मैं डायरेक्ट घर जाऊंगा। आ चुका हूँ बस पे, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी, बट मैं इसे बोलना नहीं चाहता था। मेरे मतलब वो नर्वस हो गया था, इसके कारण मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा था वो भी मुझे नहीं पता था। नर्वस इसलिए हुआ शायद से, मैं जब बोल रहा हूँ ना तब वो मेरी बात को बीच में काट रहे, इसके कारण मैं शायद नर्वस हुआ। बाकी क्या करें, आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना,
मैंने जानबूझ के नहीं किया, मां कसम से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी जो है मैंने जानबूझ के नहीं बोला है। मैं नर्वस था इसके कारण, क्या बोल रहा था वो भी नहीं, मुझे नहीं पता था। बाकी इस वीडियो करते ही थे एंड आई होप आपको पसंद आए, पसंद आए तो क्या करना था ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।